राजस्थान से। आज दिल्ली के जनता मंत्र से आप लोग आए, हाँ जी, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग ये है कि हम और गांवों के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि झोपड़ियों के अंदर जो गरीब परिवारों की सेवा करते हैं, 10 रुपये 20 रुपये में हम उनको मेडिसिन देते हैं। सरकार हमारे को ये हमारी रोजी रोटी छीन ली है। हम ये चाहते हैं कि हमारे को जो क्लिनिकल एक्ट लगाया गया है उस कैदे के अंदर हम नहीं आते, हमारे को इस कैदे से बाहर निकाला जाए, हमारे को हमारी प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया जाए। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आगे? हम आने वाले के टाइम के अंदर पूरा इंडिया ही इकट्ठा होगा, जिसमें पूरे इंडिया के अंदर पूरे डॉक्टर हर गांव और शहर और पूरे स्टेटों के डॉक्टर यहाँ पहुँचेंगे, जो धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, बीच में सरकार ने आप लोगों को झोला छाप करने के लिए तैयारी की थी, क्या आपको हटाया जाए? जितनी भी आपकी ये जो सर्टिफिकेट बने हुए हैं हटाकर उनको झूला छाप बताया जाए, क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप लोग छोटे छोटे गांव में जाकर तमाम लोगों की जान बचाते हैं, जो जान सरकारी अस्पतालों में नहीं बच पाती वो आप बचाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार क्यों ऐसा करती है? सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जो हमारे पास जो जितने भी हैं बिल्कुल हर हॉस्पिटल से क्या नाम एक्सपीरियंस लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सरकार ने जैसे आंगनबाड़ी केंद्र या किसी अपने परचून वाली दुकानों के ऊपर अनुमति दे रखी है कि उनको मेडिसिन देने का अधिकार है, क्योंकि हम ये अपना अधिकार जो है हमारे पास ही होना चाहिए इस तरह का। तो हम पढ़े लिखे हैं, हर हॉस्पिटल में काम किया है, 10-10, 20-20 साल हम काम करके, और कई भाई तो मेरे ऐसे हैं जिन्होंने सारी उम्र ही गुजार दी है, 70-80 साल के होंगे हैं प्रैक्टिस करते हुए, उसके पास और कोई रोजी रोटी का गुजारा नहीं है। अच्छा, जहाँ 20,000 लगते हैं वहाँ 20 रुपये में आप आदमी को ठीक कर देते हैं, ये अच्छी बात है गलत बात है, या आप सरकार से बोलना चाहते हैं? हाँ जी, हम बोल सकते हैं, अच्छी बात है, ये सरकार को समझना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, समझना चाहिए सरकार को। सरकार क्यों नहीं समझ रही है बताइए? सरकार क्यों नहीं समझ रही, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम जो कर रहे हैं हम उसको राइट कर रहे हैं, और इनलीगल काम जो हमारा भाई करता है हम कहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोस्वामी नानक चंद गिरी है। सर, बड़ा सवाल है आपका। मेरा नाम गोस्वामी नानक चंद गिरी है, मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि जितने ये छोटे छोटे गांव में, देहात में, शहरों के अंदर, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर ये डॉक्टर है, ये अपने फर्स्ट एड दे दे करके जो मरीज इस लायक हैं कि इनके द्वारा दवाई गोली देने से ठीक हो जाए उनको ठीक कर देते हैं, और जो इनके लेवल का नहीं होता उसे रेफर करके बड़े हॉस्पिटलों को भेज देते हैं, गाइड कर देते हैं कि भाई ये मतलब हमारे से नहीं है, किसी भारत में बढ़िया हॉस्पिटल गवर्नमेंट कभी भी जो है जान बचाते हैं उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाएं, और जो डॉक्टर जो है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कोई कैंची ऑपरेशन में छोड़ देता है, कोई वैसे मार देता है, गलत ट्रीटमेंट कर देता है, डिग्री उसके पास में, आज ये गरीब घरों के डॉक्टर हैं, ये गरीब घरों से आए हैं, इनके माता पिता के पास में करोड़ करोड़ रुपया नहीं देके जो ये MBBS की इनको डिग्री दिला दी जाती, इन्होंने डॉक्टरों के संरक्षण में रह करके अपनी प्रैक्टिस की, उनसे सीखा, और सीखने के बाद में देश के अंदर ये समाज की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में सरकार बजाय इनको ऐड करने के, स्कूलों के अंदर आपने देखा होगा एक मास्टर जी हैं और मास्टर जी के एक सहायक मास्टर जी हैं, लेकिन क्षेत्रों में दुनिया में दुनिया भर की बीमारी फैल रही है, डॉक्टरों का सहायक कोई नहीं है, MBBS डॉक्टर से मर जाए तो कोई मुकदमा नहीं है, उसकी हेल्प करे जाओ, उसे बचाए जाओ। ये गरीब घरों से पढ़ लिख कर अपनी जो सेवा समाज की कर रहे हैं और उस सेवा के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इनकी आवाज़ को सुना जाए और इनके साथ में न्याय किया जाए, बजाय मुकदमा बनाने के, बजाय बंद करने के, इनको जो है न्याय दिया जाए, ऐसी मतलब इनके लिए प्रमाण पत्र दिए जाएं। अगर ये गलती करेंगे इनसे आदमी मरेगा, इन पर मुकदमे बनाओ, बंद करो, गलती करने के बाद में इनसे आदमी मरता है, इनके खिलाफ एक्शन लो, लेकिन इनके साथ में इनके बच्चे, इनका परिवार, 50-50 आदमियों का एक एक परिवार है जो इनसे जुड़ा हुआ है, 20 रुपये की दवाई में, 10 रुपये की दवाई में ये पेशेंट को ठीक करते हैं, 2,000 रुपये का डॉक्टर जो पेशेंट को रेफर करके पहले उसके कपड़े उतार लेता है और उसके बाद रेफर करके हॉस्पिटल को भेज देता है। तो ऐसा अनर्थ समाज के साथ में और इन डॉक्टरों के साथ में नहीं होना चाहिए, और यदि ये चला तो मैं अपने अखाड़े की तरफ से ये सरकार से अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन में
हमारा समाज भी और अखाड़ा भी, हम सब इनके साथ होंगे और ये लड़ाई लड़ने में न्याय दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मैडम आप तमाम डॉक्टर लोग, ग्रामीण डॉक्टर लोग, हमारा यही कहना है जैसे भी पहले दादी ने हमारे मुख्य अतिथि ने बोला हमारे पक्ष में, क्योंकि हम लोग क्वालिफाइड एजुकेशन होल्डर है, और हमें फर्स्ट एड देने की अनुमति देनी चाहिए, ना कि हमारा रोजगार छीनना चाहिए। अगर ये हमारा रोजगार छीनने का काम करेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं, जेल भी भर सकते हैं, कुछ भी करने के उतारू हो जाएंगे। और ऑल इंडिया डॉक्टर जितने भी हमारे 1,00,000 डॉक्टर्स हैं, और यहाँ पे चप्पा चप्पा जाम कर देंगे और सरकार पर हिलाकर फेंक देंगे और अपनी मांगे हम लेके पूरी करेंगे। सर क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर जी आर वर्मा, सबसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मेडिकल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।